एनसीबी ने जिन ड्रग पैडलर्स को पकड़ा है उनके जो है मोबाइल रिकॉर्ड से एक चीज़ सामने आई है। उनको ये पता चला है कि ये सभी जो है शॉविक और सैमुअल के टच में थे। करमजीत और करण के बीच में आपस में रेगुलर बात होती थी और करण के पास से बहुत सारा माल मिला है। करण वो शख्स है जिससे जायद बिलतारा जो है सामान लेता था और शॉविक जो है जायद के साथ टच में था। सैमुअल और जायद बिलतारा के बीच में जो है 3 बार बात हुई है और ये तीनों बार में लगभग 72 मिनट बात हुई है। वहीं अगर मैं सिर्फ मार्च की ही बात करूं तो 17 से 24 मार्च के बीच में इन सभी के बीच में जो है 300 मिनट बात हुई है और 17 कॉल किए गए हैं। करमजीत के सीडीआर से बशित और करण अरोड़ा का मोबाइल नंबर मौजूद था। इससे पता चलता है कि इन सबके तार एक दूसरे से जुड़े हुए थे। रिया के फ़ोन की क्लोनिंग हुई, इतना ही नहीं शॉविक के फ़ोन की क्लोनिंग हुई और शॉविक के बीच जो है और उससे पता चला कि उसके भाई शॉविक के बीच 15 मार्च 2020 को हुआ एक ऐसा चैट सामने आया जिसमें दोनों भाई बहन किसी के लिए खुलकर नशे का सामान जुटाने की बात कर रहे थे और वहीं से रिया को ये मानना पड़ा कि हाँ वो इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व है। सबसे पहले जो है ना एनसीबी चक्रवर्तीज यानी कि रिया और शौविक को पकड़ना चाहती थी लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पहले जो है जायद को पकड़ा और जायद से फिर बसित परियार फिर कैजान और इन सबको जब अरेस्ट किया इन तीनों ने जो है जब शौविक और रिया का नाम कबूला तब जो है उन्होंने शौविक और रिया को बुलाया। लेकिन उनके पास इन सभी की कॉल रिकॉर्ड से ये बात साफ है कि इन दोनों का कनेक्शन जो है शौविक का और सैमुअल का ड्रग पैडलर्स के साथ था। इतना ही नहीं 25 लोगों के नाम और सामने आए हैं जो फिल्म इंडस्ट्रीज के हैं और उन सभी को जो है बहुत ही जल्दी नोटिस भेजा जा सकता है।